नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो लाल चने की आवक है वो बढ़ रही है, और लाल चने में किस तरह का व्यापार है और क्या कुछ संभावना आने वाले समय में लाल चने को लेकर जताई जा रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ लाल चने के व्यापारी हैं सुलभ जी, वो मौजूद हैं। इनके पास सीधे चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ स्थिति लाल चने के व्यापार को लेकर बनती नजर आ रही है। सुलभ जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लाल चने के व्यापार को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है और क्या कुछ दाम आने वाले समय में हम संभावना जता रहे हैं। लाल चने में पिछले दो दिनों में बाज़ार कुछ थोड़ा सा सुस्त है, बाज़ार में ग्राहकी कमज़ोर है, क्योंकि बाज़ार में कहीं भी 200-300-400 रुपए की तेज़ी आ गई तो उसके बाद में थोड़ा सा बाज़ार में रिएक्शन आना एक स्वाभाविक सी चीज़ है। लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, जिनके पास में कम भाव का माल था वो माल बेच के प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा बाज़ारों में 100-200 रुपए की मंदी का चाल दिख रहा है अभी हाल। बाकी भविष्य में चने में कहीं भी बाज़ार यहाँ से 400-500 रुपए की तेज़ी भविष्य में हमको दिखती है इसमें। और यदि हम बात करें तो लगातार जो लाल चने के दाम है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति है, किस तरह की आवक हमारे पास है और क्या कुछ डिमांड हमारे पास लाल चने की? लाल चने की विशेष आवक बढ़ी नहीं है, लाल चने की आवक और देखा जाए तो बाज़ारों में कम हो गई है। राजस्थान लाइन में आवकें थोड़ी सी भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप लेट कटती है, कटाई लेट होती है क्रॉप की, वहाँ कुछ आवक है जिसके कारण थोड़ा सा बाज़ार को नीचे आने का एक चांस मिला है। और MP में लाल चने की आवक जो पहले हो रही थी उससे कहीं ना कहीं आवक कम है, इस कारण से गवर्नमेंट को भी माल कम तुल रहा है। बाज़ार में अभी तो कुछ फिलहाल 8-15 दिन मद्दी का टोन दिखता है, या बाज़ार ये मान सकते हैं कि एक प्राइस बैंड में आके रुक जाएगा, बाकी भविष्य में बाज़ार में तेज़ी का सूचक ही दिखता है। और यदि हम बात करें तो लाल चने की जो स्थिति है वो कहाँ तक जा पहुँचेगी, चूँकि आप अनुभवी व्यापारी हैं, कहाँ तक लाल चने के दाम जाएंगे और पिछले साल की तुलना में इस साल चने का व्यापार किस तरह का है? लाल चने का भाव पिछले साल से तो 1000 रुपये कुंटल तो अभी बढ़ ही चुका है नीचे के लेवल से, और कहीं भी यहाँ से 500-700 रुपये की तेज़ी और दिखती है नए सिरे से, पर वो तेज़ी कब तक आएगी इसका आकलन कभी करना या कहना तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर भविष्य लाल चने में बहुत अच्छा है, तेज़ी का ही साल दिखता है चने में। और चने को छोड़ के अगर हम बात करें तो पूरे दलहन सेक्टर में ही तेज़ी का साल दिखता है, डिमांड चने में काफ़ी अच्छी है, घरेलू उपभोक्ताओं की डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट में भी माल जा रहा है, और आवक कम रहने से बाज़ार को कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है भैया। और यदि बात करें तो कहां कहां से हमारे पास लाल चना आता है और किस तरह की जो है डिमांड है और किस तरह की क्वालिटी का माल अभी हमारे पास वर्तमान में आ रहा है? अभी हाल माल की क्वालिटी पिछले साल की अपेक्षा हल्की हो गई है, और लाल चना अभी विशेष तौर पर आपके तो राजस्थान मंडियों से ही हो रही है ज़्यादा, जो दिल्ली लाइन माल जा रहा है। MP में हर जगह जो आपके 1000-2000-5000 बोरी की होती थी वहाँ कहीं भी टूट के 1200-1500 बोरी की, इंदौर की बात करें तो 2000-3000 बोरी की आवक हो रही थी वो भी कहीं टूट के 500-700-800 बोरी पर रह गई है। आवक MP में महाराष्ट्र में लाल चने की कम हुई है, पर चने के नाम पर डॉलर चने की आवक हर जगह बढ़ी है अभी हाल, इसलिए बाज़ारों में चने के नाम पे डॉलर चने की आवक, और गवर्नमेंट भी दिखा रही है कि बाज़ार जो है डॉलर चने की आवक बढ़ रही है, पर इन ऑल में देखा जाए लाल चने की क्रॉप कम है, डॉलर चना बिटकी चना इसकी क्रॉप अच्छी है जो बाज़ारों में माल भी आ रहा है। और यदि हम बात करें तो कहाँ तक अब की बार हम दाम जाने की संभावना जता पा रहे हैं और क्या कारण है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो है दाम अधिकतर हमको चने के देखने में? कहीं भी चना 75 रुपए की रेंज पे जाके एक बार पहला टारगेट 7000 रुपए का, और उसके बाद में अगर तेज़ी आती तो 75 रुपए के बाज़ार हो सकते हैं। और पिछले साल की अपेक्षा सीधा साधा क्रॉप कम उतरी है, बोनी कम हुई थी, बोनी होने के बाद में क्रॉप की यील्ड कम बैठी है, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट बाज़ार को मिल रहा है, किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। पिछले साल किसानों का माल 4000-4500 रुपये की रेंज में बिक रहा था, वो कहीं भी जाके आज 5500 रुपये से 6000-6200 रुपये के आसपास में उनका माल बिक रहा, तो पिछले साल की अपेक्षा 1000-1200 रुपये की आसपास उनको भी भाव ज़्यादा मिल रहे हैं, और वही डिफरेंस हम पक्की मंडी व्यापारी मालों में भी देख रहे हैं कि 1000-1500 रुपये का डिफरेंस भाव में हमको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में इस साल दाम जो है अच्छे खासे मिलेंगे? बिल्कुल, पिछले साल की अपेक्षा दाम आपकी काफ़ी अच्छे रहेंगे, और बाज़ार अगर अच्छे रहते हैं तो आने वाले सालों में चने का रकबा कहीं ना कहीं हर स्टेट में बढ़ेगा, और चना हमको आने वाले सालों में कहीं भी अच्छा उत्पादन हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर तो चना व्यापारी थे सुलभ जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो चने के दाम है वो अच्छे मिलेंगे और आने वाले समय में जो चने के दाम है उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।